हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिगनर टू मास्टर यूपीएससी सीएससी। माई सेल्फ दीपक सिंह, और आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बेसिकली अगर ज़्यादा अच्छे से कहेंगे उसको तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम बेसिकली देखें तो फॉरेनर्स दो टाइप के होते हैं। पहला फॉरेनर वो होता है जो, जिसे हम बोलते हैं परपेचुअल इन नेचर, लाइक ब्रिटिश, वो आते हैं हमारे देश में, रहते हैं हमारे देश का, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द मदर कंट्री, अपने इंग्लैंड के लिए। और सेकंड फॉरेनर होते हैं रियल टाइप ऑफ नेचर। और रियल नेचर वाले फॉरेनर कौन से हैं? दैट फॉरेनर कॉल्ड द मुगल्स, जो आएंगे यहाँ, बस जाएंगे, जो भी यहाँ पे इनकम करेंगे उससे इसी इंडिया का ग्रोथ करेंगे, ना कि अपने मदर कंट्री के लिए ले जाएंगे। तो ये रियल फॉरेनर्स होते हैं। तो ऐसे रियल फॉरेनर्स मुगल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बाबर के बाद का पॉइंट डिस्कस करेंगे। इससे पहले दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा सेम चैनल पे। ओके, लेट सी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट दैट कि भाई अन अकेडमी का दो कोर्स है, एक प्लस का है, एक आइकॉनिक का है। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दीपक वन कोड यूज करना है आपको, देन यू विल गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपकी फीस है 64,000 फॉर 24 मंथ। बट अगर आप इसमें दीपक वन कोड यूज करते हैं तो योर फीस विल बी 57,600। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? तो इसमें मैं आपको खुद मेंटर करूंगा। सेकेंड, आपके हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कौन कौन से लेक्चर लेने हैं, किससे लेने हैं, कैसे कंप्लीट करना है, जो आपके डाउट्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, Deepak2509। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप मुझे अनअकैडमी की मेरी आईडी पे जाकर फॉलो करें। वहाँ पे बाकी वीडियोज भी पड़ी हुई हैं, टेस्ट पड़े हुए हैं, जो भी सेशन यहाँ पे होते हैं उनके टेस्ट वहाँ पे होते हैं, उन टेस्ट को देखिए। ठीक है, और उन्हें फिर जाकर आप अपने, मतलब एक आपका बेसिक रेडी होता चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एक अच्छी स्टडी यही होती है कि हम पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर टेस्ट दें। सेकेंड आपके सामने आता है आइकॉनिक। ठीक है, तो आइकॉनिक जो आपको दिख रहा है, क्लियर है, आइकॉनिक में बेनिफिट आपको क्या मिलता है? आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस और स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक, दिस ऑल थिंग्स अवेलेबल ऑन आइकॉनिक, जो कि प्लस में नहीं है। कहाँ पे है? आइकॉनिक में। इसमें मेंटर भी मिल जाएगा आपको, एनी टाइम आप डाउट पूछ सकते हैं, उसका व्हाट्सअप नंबर आप ले लें, ठीक है, उससे अटैच रहें। ठीक है, 64,000 फीस है 12 मंथ की, बट इफ यू आर गोइंग टू यूज माय कोड दीपक वन, यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट एंड योर फीस विल बी 57,600। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द 24 मंथ, योर फीस विल बी एट 99,000। ठीक है, एंड इफ यू गोइंग टू यूज माई कोड दीपक वन, योर फीस विल बी 89,100। गेटिंग द पॉइंट? चल, थैंक यू सो मच। सो दिस इज द लेक्चर 4 ऑफ द कल्चर एंड टूडेज टॉपिक इज मुगल आर्किटेक्चर। बेसिकली वी कैन से दैट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। चलिए देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में सबसे खास बात क्या है। समझो, आप जो आर्किटेक्चर समझते हो ना, तो आर्किटेक्चर को बस आप ये मत समझो कि ये बिल्डिंग है, ये इन्होंने ये बना दिया, वो बना दिया, ये गार्डन बना दिया, नथिंग लाइक दैट। आर्किटेक्चर टेल्स अबाउट द फिलोसफी ऑफ द मुगल रूल्स इन इंडिया। व्हेन मुगल केम इनटू इंडिया, दे स्टार्टेड बिल्ड कुतुब मीनार, कौवतुल इस्लाम मॉस्क, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, समझ रहे ना, अलाई दरवाजा। लेकिन आप उस जगह से फिर थोड़ा टाइम शिफ्ट होकर देखिए तो हुमायूं का मकबरा कितना बेहतरीन बन गया, ताजमहल प्योर मार्बल का बना हुआ। दीज ऑल आर सम स्पेशल थिंग्स दैट यू हैव टू नो। तो हम बोल सकते हैं कि आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली द बिल्डिंग्स, सम टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, बट आर्किटेक्चर इज द फिलोसफी ऑफ मुगल्स। आर्किटेक्चर शोज द फिलोसफी ऑफ मुगल्स। आर्किटेक्चर टेल्स यू कि आफ्टर टाइम बाय टाइम, आफ्टर सम टाइम, मुगल्स हैविंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वी कैन से फ्रॉम देयर, थ्रू देयर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। फर्स्ट दे यूज सैंड स्टोन, देन दे यूज मार्बल। ठीक है, पीट्रा ड्यूरा, व्हाट इज पीट्रा ड्यूरा? नक्काशी करते थे हीरो की, प्रीसियस मेटल्स को, उसको एक नुकीली चीज से ऐसे उसमें जो वॉल होता था उसमें हल्का सा दरार डालते थे, ठीक है, नुकली चीज से उसको खोदते थे, फिर उसमें पीटा ड्यूरा को स्टिक कर देते थे। ठीक है, मतलब प्रीसियस मेटल को स्टिक करके बहुत बेहतरीन सुंदर नक्काशी की जाती थी। क्लियर है?
तो याद रखेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया कि आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली द आर्किटेक्चर, इज नॉट ओनली सम टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, बट इट टेल्स अबाउट द फिलोसफी ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। देन द सेकेंड वन थिंग, जब ये आएंगे तो तुरंत आने के बाद ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ये पहले यही के स्ट्रक्चर को कट आउट करेंगे, तोड़ेंगे और फिर उसके ऊपर बनाएंगे अपना स्ट्रक्चर। तो देखिए, इंडियन जो आर्किटेक्चर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द टेराबिट आर्किटेक्चर। मतलब इसमें ऐसे लिंटेल होता था, मतलब ऐसे आपको एंट्रेंस होता था, ठीक है, जैसे दरवाजों का आजकल होता है हमारे घरों में। लेकिन जब इस्लामिक आए तो उन्होंने इस लिंटल में अंदर से एक मेहराब बनवा दिया, इसे कहते हैं आर्क। इसे हम क्या कहते हैं? आर्क। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने मेहराब बना दिया, थोड़ा सा चेंज किया, ये जो ये अंदर वाला पोर्शन है इसको अगर ऐसे बना दो, बस बस ये इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। इस्लाम का कभी भी खुद का आर्किटेक्चर नहीं रहा है। इस्लाम ने मॉस्को से जो डोम होते हैं उनका कल्चर लेकर आए, मतलब ये जगह जगह अटैक किया इन्होंने, जहां जहां गए वहां वहां के आर्किटेक्चर को अडॉप्ट किया और मिलाकर एक आर्किटेक्चर डेवलप किया, इंडियन आर्किटेक्चर, मॉस्को रशियन आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर, सबका सुमेरियन आर्किटेक्चर, ठीक है, सबका मिक्स्ड जो है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। सेकंड देखेंगे, इंडियन आर्किटेक्चर में शिखर कुछ इस टाइप के होते थे मंदिरों के, लेकिन उन्होंने शिखर की जगह क्या बना दिया? डोम। अब डोम में भी आपको डबल डोम भी मिलेंगे। व्हाट अबाउट द डबल डोम? डबल डोम मतलब एक डोम है, इस डोम को और बड़ा बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा बड़ा बनाओगे तो कभी भी गिर जाएगा, तो उसके सपोर्ट के लिए आप एक अंदर एक और डोम बनाते हो और उसके बाद उसके ऊपर एक डोम बनाते हो, तो दिस इज कॉल्ड द डबल डोम। ठीक है, जब आप क्या करना चाहते हो, एक डोम को और ऊपर तक बढ़ाकर डेवलप करना चाहते हो, तो आपको एक इनर डोम सपोर्ट के लिए चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट, दिस आर्किटेक्चर, ठीक है, फेज ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड डबल डोम आर्किटेक्चर, जो हमें सिकंदर लोधी के मकबरे में मिलेगा, ठीक है, टॉम्ब में मिलेगा, फिर बाद में आपको हुमायूं के टॉम्ब में देखने को मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, देखेंगे मीनार्स की बात अगर हम करेंगे तो मीनार एब्सेंट था इंडियन आर्किटेक्चर में, बट इनके आर्किटेक्चर में मीनार प्रेजेंट था। ठीक है, मटेरियल जो यूज होता था यहाँ पे, स्टोन का मटेरियल यूज होता था। नंबर ऑफ द टेम्पल्स इन इंडियन आर्किटेक्चर बिल्ट बाय द स्टोन्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इस्लामिक आर्किटेक्चर, इन्होंने लाइम चूने पत्थर का मोर्टार का यूज किया है, ठीक है, उसको बनाने के लिए। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेराबिट एंड आर्कवेट आर्किटेक्चर। अगर इसको डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए जहां मैंने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुगल रूल हम सभी को बेसिकली मालूम है कि जो मुगल रूल था उसमें 8 ग्रेट किंग्स हुए। ठीक है, उसमें शुरुआत हमारे यहां सबसे पहले हो जाती है बाबर से, ये 1526 में इंडिया आ जाता है। अब बाबर से स्टार्ट होती है, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, उसके बाद रूल करता है हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर के बाद रूल करता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बाद फिर आता है शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। ठीक है, ये 6 ग्रेट मुगल्स कहलाए। ठीक है, 6 ग्रेट मुगल्स, बाद में 8 वो आए थे, क्या कहते हैं, लेटर मुगल्स जो वीक थे। ठीक है, ये 6 ग्रेट मुगल्स कहलाए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लेकिन बाबर केवल 4 साल तक रुक पाया, 30 में इसकी डेथ हो गई थी। तो और जितना टाइम ये रहा उतने टाइम ये वॉर करता रहा, तो इसके अंडर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अब लिस्ट डेवलपमेंट 4 बाग टाइप ऑफ स्टाइल लेकर ये आया था, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसमें क्या होता था, 4 बाग होता था, बीच में वाटर जो था, ये दिख रहा होगा आपको, बीच में प्लेन एरिया जो ये स्टोन एरिया दिख रहा है, इसमें वाटर सैलो करता था, मतलब पानी बहता रहता था, और ऐसे 4 पोर्शन होते थे, पानी बहता था, चारों तरफ गार्डन होते थे। इसका इमेज में अगर बनाना चाहूं आपके सामने, तो समथिंग लाइक दैट, ये मान लो ये रेक्टेंगुलर है और ये बीच में ये आ गया स्वेलो। अब यहाँ पे पानी बहेगा, ठीक है, इन पोर्शंस पे पानी बहेंगे, इन पे वाटर सैलो होगा और यहाँ पे गार्डन को डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे गार्डन को डेवलप किया जाएगा, इस पोर्शन में भी गार्डन को डेवलप किया जाएगा। दिस स्टाइल इज कॉल्ड चारबाग स्टाइल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बाबर इन इंडिया। हुमायूं पूरा समय भागने में बीत जाएगा, तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, बट अकबर, यस, अकबर के टाइम में डेवलपमेंट है, फतेहपुर सीकरी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद जहांगीर के टाइम में और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहती है, ठीक है, क्योंकि अकबर का एम्पायर बहुत दूर तक फैल गया था
और अकबर जो जितनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दे गया था उसका आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा जहांगीर के आर्किटेक्चर में, और जहांगीर के बाद शाहजहां ने तो उसको बहुत अच्छे से यूज किया। शाहजहां ने उस आगरा में जो मुगल का कैपिटल था आगरा, उसको फिर से दिल्ली शिफ्ट करेगा और दिल्ली में शाहजहानाबाद स्टैब्लिश करेगा, जो सातवां शहर था दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली को सात शहर बनाए थे मुगल्स ने, ठीक है, मुगल और टर्किश ने, ठीक है, सातों ने मतलब इन सभी ने मिलकर, दोनों फेज ने मिलकर सात शहर बसाए थे, उन सात में से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हुमायूं कुछ नहीं कर पाएगा तो शेरशाह कुछ करके जाएगा, तो बीच में हम शेरशाह को भी कंप्लीट करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, और शाहजहां के बाद अकबर का टाइम जो है, सॉरी औरंगजेब का, वो डिक्लाइनेशन ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर है, क्योंकि औरंगजेब का बिलीव नहीं था आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में। औरंगजेब का बहुत बिलीव नहीं था, औरंगजेब इसको एंटी इस्लामिक मानता था, क्योंकि इस्लाम में इस तरह की चीजें नहीं है, इस्लाम में इमेज बनाना नहीं है, इस्लाम में डांस वगैरह नहीं है, इस्लाम में पेंटिंग बनाना नहीं है, फोटो खिंचाना मना है। तो इस तरीके से औरंगजेब जो बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो किया था जिसने इस्लाम को, जिसके टाइम में खास कल्चरल डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, बस इनकी जो वाइफ है, ठीक है, इनकी वाइफ राबिया दुर्रानी, उनका मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीबी का मकबरा, इनके बेटे आजम शाह ने उसको डेवलप करवाया था, ठीक है, याद रखेंगे, और इन्होंने इनके टाइम में होता, लेकिन इनके बेटे ने उसको इरेक्ट करवाया था, डेवलप करवाया था, याद रखेंगे, क्लियर है? हाँ, इसमें डाउट हो जाए, इसमें फंस जाओगे आप। चलो देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबर से। तो बाबर ने आपको दिखा होगा कि ये मुगल एम्पायर का फाउंडर भी है, चार साल तक ही रहा, लेकिन इसके टाइम में क्या डेवलप किया गया, फॉर्मल गार्डन्स, ठीक है, एंड कपल ऑफ गार्डन्स आल्सो इंस्क्राइब टू हिम। मतलब बाबर को अगर आपको जानना है तो बाबर का आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में बस एक ही पोर्शन है, चार बाग स्टाइल ऑफ द गार्डन, वो लेकर आने वाले यहाँ पे बाबर ही हैं। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने दो मस्जिद बनाई थी, जामी मस्जिद और काबुली बाग, ठीक है, एक मॉस्क बनवाया था काबुली बाग में, पानीपत में, और जामी मस्जिद संभल में दिल्ली के पास में। ये दोनों डेवलपमेंट उन्हीं के टाइम के हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस आप याद रखेंगे चार बाग टाइप ऑफ स्टाइल याद रखेंगे, ठीक है, जो बाबर को लेकर इंपॉर्टेंस रखता है। देन सेकंड आता है हुमायूं का टॉम्ब। अब हुमायूं का टॉम्ब वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन है, बहुत ज्यादा आपको मालूम भी होना चाहिए, एक सेकेंड, ठीक है, समझेंगे। हुमायूं का टॉम्ब क्यों इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर मुगल आर्किटेक्चर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं इन द दिल्ली, बिल्ड बाई हिज विडो बेगा बेगम। ये आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है, कितना बेहतरीन नमूना है आर्किटेक्चर का। आप देखेंगे नीचे एक बेस है, बेस में आर्क है, आर्क के ऊपर एक बेस बनाया गया, मतलब बनाया गया है बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा डोम है, ये डोम भी डबल डोम है, क्योंकि इतना बड़ा डोम सिंगल बन ही नहीं सकता, तो जब भी बड़ा डोम देखेंगे समझ जाएंगे डबल डोम का कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे बीच में आर्केस है, ये दिख रहा है ना आपको, ये पोर्शन, ये बीच में आर्केस है, ये आर्क जो है, इन आर्क के सपोर्ट के लिए आप देखोगे ये आर्क तो बना दिए गए, और फिर ये जो है इनके बीच में भी देखोगे आप नक्काशी की गई है, उसके अलावा फिर आप देखेंगे ये हल्के हल्के से आर्केस, ये बड़े आर्क के किनारे किनारे सजावट के लिए निकाले गए हैं। दूसरा खास बात, आप देखोगे पूरी बिल्डिंग रेड सैंड स्टोन है, लेकिन आर्केस के किनारे किनारे व्हाइट सैंड स्टोन का यूज किया गया ताकि ये इसको और सुंदर बनाया जा सके। और इनके जो बेस है, इन बेस में भी ब्रैकेट्स बनाए गए और आर्क बनाए गए, देख रहे हैं आप कितना सुंदर है। मतलब नॉर्मली अभी तक देखा जाएगा कि बेस बस एक चबूतरा बना देते थे, लेकिन उन्होंने बेस को बनाने के बाद उसमें आर्क का डेवलपमेंट किया है, जो इस बिल्डिंग को और खूबसूरत बना देता है। और कहीं ना कहीं अगर हल्का सा देखो तो ये ताजमहल की तरह भी आपको लुक देगा, इसीलिए बोला जाता है कि हुमायूं टॉम्ब इज द प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल आगरा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो याद रखेंगे हुमायूं का टॉम्ब बनवाया किसने, इनकी वाइफ विडो वेगा बेगम ने, और इसको माना जाता है प्रीकर्सर ऑफ ताजमहल, जो कि कहां पे है, आगरा में है ताजमहल। द मुस्लिम ऑफ द सिंथेसिस ऑफ पर्सियन आर्किटेक्चर, इसमें आपको इन्फ्लुएंस किसका मिलेगा, पर्सियन आर्किटेक्चर का मिलेगा एंड इंडियन ट्रेडिशंस। इन शॉर्ट, इफ यूपीएससी एंड पीएससी स्टेट एग्जामिनेशन आस्क द क्वेश्चन इन विच मोन्यूमेंट, इस्लामिक मोन्यूमेंट, वी कैन सी द मिक्सचर ऑफ पर्सियन आर्किटेक्चर एंड इंडियन ट्रेडिशंस, और बहुत अच्छे से, तो वो आपको सीधा दिमाग में रखना है कौन सा, भाई हुमायूं का टॉम्ब, क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, आर्क थे ऑल कॉप्स कॉरिडोर्स, हाई डबल डोम एज वेल एज छतरी, छतरी ये नहीं, छतरी ये वाले, ये दिख रहा है ना आपको, ये छतरी आपको दिख रहा होगा, ये छतरी, ठीक है, इस टाइप की छतरी, इससे भी सुंदरता आई थी, ठीक है, विच गेव इट पिरामिडल शेप ऑफ द डिस्टेंस। देखो ये छतरी अगर आप देखोगे तो ये छतरी आपको ऐसे, फिर ये डोम,
फिर ये छतरी ऐसे, तो ये एक पिरामिड टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं पर्शियन इन्फ्लुएंस से आया था इंडिया में, ठीक है, छतरी का यूज। नेक्स्ट देखो, अब समझना, उसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है, हुमायूं के टॉम्ब को, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ऑल्दो सिकंदर लोधी टॉम्ब इज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब बिल्ड इन इंडिया, तो पहला टॉम्ब जहां आसपास में गार्डन था वो सिकंदर लोधी का था, बट हुमायूं टॉम्ब जो है वो अपने आप में सिकंदर लोधी के टॉम्ब को और आगे तक बढ़ाकर एक आर्किटेक्चर डेवलपमेंट दिखाता है। उसमें पहली खास बात क्या है, टॉम प्रॉपर स्टैंड इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में प्रॉपर, कोई तिरछा नहीं है, कहीं नहीं है, पूरे आप सेंटर में बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर गार्डन में, ठीक है, वास्ट प्लेटफॉर्म पे इसको रेज किया गया है, पहले बहुत अच्छा बेस बनाया गया, उसके ऊपर इसको बनाया गया है, ठीक है। गार्डन डिवाइडेड इंटू फोर मेन पार्ट, जिसको आप बोलते हो चार बाग स्टाइल, जो बाबर के टाइम में हमने देखा, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ विच रैन सैलो वाटर चैनल, जो मैंने अभी आपको बताया था इस टाइप से, ठीक है, ये बीच में पानी बहेगा और चारों तरफ गार्डन रहेगा, तो एक बहुत अच्छा चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन आपको हुमायूं के टॉम्ब में भी देखने को मिलेगा उस पूरे ग्राउंड में, ठीक है। द स्क्वायर रेड सैंडस्टोन डबल स्टोरी स्ट्रक्चर ऑफ द मुस्लिम राजेज ओवर द हाई स्क्वायर टेरेस रेज्ड ओवर द सीरीज ऑफ सेल्स, ठीक है, तो देखो एक ऐसे इन्होंने बेस बनाया है, इस बेस में एक सीरीज ऑफ द सेल्स बनाई है, ठीक है, ये सीरीज ऑफ द सेल्स बनाई है, जो मैंने अभी आपको ये पहले पीछे इमेज में आपने देखा होगा, और ये जो सेल्स की सीरीज आपको बनी हुई दिख रही है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो बनी हुई दिख रही है, इसके ऊपर इन्होंने क्या बनाया है, इसके ऊपर इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, क्लियर है। तो ये आपको दिख रहा है कि एक बहुत अच्छे ब्लॉक्स में एक सेल्स नीचे जो इनका बेस है उसमें सेल्स इन्होंने इनग्रेव किए हैं, उसके इनग्रेविंग के बाद में अगर आप देखेंगे तो सैंडस्टोन का यूज हुआ है, रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है, ठीक है, और डबल स्टोरी है, एक माला बेस का और एक माला ये ऊपर का, डबल स्टोरी बनाया गया। ऑक्टागोनल फॉर्म ऑफ द सेंटर चैम्बर कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द इंस्पायर्ड सीरियन एंड अर्लियर इस्लामिक मॉडल्स, ठीक है, तो याद रखेंगे बीच में जो सेंट्रल चैम्बर है वो ऑक्टागोनल है, ठीक है, अष्टकोणीय ऑक्टागोनल। फर्स्ट टाइम डेट रेड सैंड स्टोन वॉज यूज अलॉन्ग विथ वाइट, फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार रेड सैंड स्टोन के साथ में व्हाइट सैंड स्टोन का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि व्हाइट जो है उसको यूज किया गया बहुत चालाकी से, क्लेवरली, टू एम्फेसिस सराउंड अंडरलाइन डोर्स विंडोज स्ट्रेंथनिंग द डिजाइन। मैंने आपको बोला ना यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे किनारे किनारे ये व्हाइट का यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, ये व्हाइट इसको और खूबसूरत बनाता है, क्लियर है, इस पूरे आर्किटेक्चर को बहुत अच्छा बनाता है। तो ये हुमायूं टॉम्ब है, ये हमारा सेकंड एग्जांपल हुआ चारबाग के बाद में। फिर हुमायूं जो बाहर भाग गया था, शेरशाह ने दिल्ली को कब्जा कर लिया था, फिर शेरशाह ने बनाया अपना आर्किटेक्चर, तो दिल्ली में शेरशाह ने एक शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही कहते हैं इस नाम का शहर भी बसाया था पुराना किला के आसपास, लेकिन उसका सबसे बेटर आर्किटेक्चर डेवलपमेंट दिखेगा जो खुद ही बनवा कर गया था, ठीक है, ये अपना खुद का टॉम्ब बनवा कर गया था जो आपको इमेज में दिख रहा है, चारों तरफ पानी है, टॉम्ब के चारों तरफ वाटर है, ये सासाराम बिहार में पड़ता है, ठीक है, यहां पे देखेंगे। वॉज मेड मॉडिफाइंग लोधी ऑक्टागोनल पैटर्न विथ अ वरामदा अराउंड इट, ठीक है, ये ऑक्टागोनल पैटर्न है, ठीक है, मतलब आठ ऐसे ऐसे करके डिवीजन होंगे, आठ डिवीजन में बना होगा, और ऑक्टागोनल के साथ साथ ये जो बाहर का दिख रहा है इसमें अंदर बरामदा बना हुआ है, बरामदा मतलब समझते हैं आप, ईच साइड पियर्स्ड बाय द आर्क एंड द हॉल सरमाउंटेड बाय ए लार्ज व्हाइट डोम, ठीक है, तो याद रखेंगे हर साइड में आर्क बनाया हुआ है, जो बाहर की एंट्री दिख रही है ये सब आर्क दिख रहा है आपको, ऐसे बनाया गया है, और जो बरामदा है मतलब जो अंदर का डोम है, ठीक है, एक व्हाइट डोम वहां पर डेवलप किया गया है, बड़ा सा डोम ये दिख रहा है आपको, बड़ा सा डोम ऊपर की ओर, ठीक है। सूर्स मेड यूज ऑफ रेड एंड डार्क ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है, तो इन्होंने रेड के साथ साथ डार्क ग्रे दिखाया है, इसीलिए आपको ये बिल्डिंग दिख रही होगी बहुत ही पुरानी और अजीब दिख रही होगी, लेकिन ये ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ है, ठीक है। और डेकोरेटिव टर्रेंट्स पेंटेड सीलिंग्स एंड कलर टाइल्स, ठीक है, तो कलरफुल टाइल्स मिलेगी, ये आपको दिखना ना, ये डेकोरेशन हुआ है, ठीक है, ये सीलिंग का डेकोरेशन हुआ है, तो दीज आर अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। द पुराना किला एंड किला खान मस्जिद इनसाइड और आल्सो डिस्क्राइब द शेरशाह सूरी, ठीक है, इनसाइड द दिल्ली कह सकते हैं, ठीक है, दिल्ली में इन्होंने बनाया था, कंप्लीटेड सिक्स हिस्टोरिकल सिटी ऑफ दिल्ली कॉल्ड शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही अराउंड द पुराना किला इन 1540 में इन्होंने इसको डेवलप किया था।
और पुराना किला और किला खान मस्जिद के अंदर भी आप देख सकते हो शेरशाह सूरी का एक अलग से डेवलपमेंट वहां देखने को मिलता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसका खुद का टॉम्ब जो कि चारों तरफ से वाटर से कवर है, बीच में बना हुआ है, ऑक्टागोनल इन शेप है, एक वाइट डोम है, ग्रे स्टोन का यूज हुआ है, इसको सजाने के लिए बाहर इंग्रेविंग्स की गई हैं, ठीक है। दीज आर सम बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द आर्किटेक्चर। सेकेंड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, छतरी का भी यूज हुआ है, ऊपर की साइड दिख रहा होगा आपको छतरी, जिसको और सुंदर बनाता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ गए हम लोग आगरा फोर्ट पे। आगरा का किला बिल्ट बाई एट द टाइम ऑफ अकबर, किससे बनाया गया? रेड सैंडस्टोन से। किस नदी के किनारे बनाया गया? यमुना के किनारे बनाया गया। स्टार्ट कब किया गया? 1565 में। ये कंप्लीट कब होता है? 1574 में, ठीक है। 1565 में ये चीज शुरू हुई, 1574 में ये फिनिश होती है, क्लियर है। दिस सिटी, और उसके बाद याद रखेंगे ये तो आगरा का फोर्ट हुआ, और आगरा के फोर्ट के बाद में जब 1574 में ये कंप्लीट हो जाता है, फिर वो फतेहपुर सिकरी को बनाना शुरू करता है अकबर। तो फर्स्ट अकबर कंप्लीटेड आगरा फोर्ट, देन अकबर फोकस्ड ऑन द फतेहपुर सिकरी। अब फतेहपुर सिकरी बनाने का रीजन क्या था, ठीक है? तो फतेहपुर सिकरी बनाने का रीजन क्यों था, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज फाउंडेड एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू शेख सलीम चिश्ती, हू हैड फोरटोल्ड दैट अकबर वुड हैव थ्री सन्स हु वुड सर्वाइव आफ्टर द सैड डिमाइस इन द मेनी चिल्ड्रन इन इन्फेंसी, ठीक है। तो बोला जाता है कि एक भविष्यवाणी की थी शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को लेकर, उन्होंने बोला था कि अकबर के तीन बेटे होंगे स्टार्टिंग में, और तीनों की बचपन में ही डेथ हो जाएगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करे वो उसी में डेथ हो जाएगी, इनके बीमारियों से सर्वाइव रहेंगे और डेथ हो जाएगी, तो वो भविष्यवाणी जो सही होती है, तो उसके बाद शेख सलीम चिश्ती के सामने मतलब समझ लो मुरीद बन गए, कौन? अकबर। और अकबर ने यहाँ से स्टार्ट कराया फतेहपुर सिकरी उनके नाम पे बनवाने के लिए, और फतेहपुर सिकरी जो बनना शुरू हुआ वो 1569, ठीक है, देखिए अभी लिखा हुआ, एंड कंप्लीटेड इन 1574 इन द सेम ईयर इन विच द फोर्ट ऑफ आगरा वॉज कंप्लीटेड। सॉरी, यस, द वन मोर थिंग, आगरा फोर्ट जब कंप्लीट हुआ तो उसी साल इसको कंप्लीट कर दिया गया था, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने बोला बाद में स्टार्ट किया कि नहीं, 1569 में स्टार्ट हो गया था, 1574 में आगरा फोर्ट के टाइम इसको कंप्लीट हो गया था। फतेहपुर सिकरी वॉज अ टाउन प्लांट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स एज वेल एज प्राइवेट रेजिडेंस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे फतेहपुर सिकरी में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी जहां पे रन होता था, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन मेंटेन होते थे, जहां से किंग रूल करता तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए भी बिल्डिंग बनाई गई थी, पब्लिक बिल्डिंग भी बनाई गई थी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और प्राइवेट रेजिडेंस भी बनाए गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, पब्लिक बिल्डिंग और प्राइवेट रेजिडेंस लाइक जोधाबाई महल, ठीक है, प्राइवेट रेजिडेंस, पब्लिक बिल्डिंग मस्जिद, ठीक है, इबादत खाना, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आपको दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो इन सब का आपको वहां पर कलेक्टिव वे में पूरा एक शहर समझ लो बस गया फतेहपुर सिकरी किले में, ये उस समय डेवलप हुआ। द सिटी इज मॉडर्न टाउनशिप कंसिस्टिंग हॉल्स, पैलेस, ऑफिस, गार्डन्स, प्लेजर रिसोर्ट्स, बाथ्स एंड मॉस्क एंड टॉम्स, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन द टेराबाइट कंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर के टाइम में आपको इंडियन आर्किटेक्चर का नमूना देखने को मिलेगा जो कि यही है, ठीक है। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन से? बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दरगाह ऑफ सलीम चिश्ती, दीवाने खास, दीवाने आम, जोधाबाई पैलेस, जामा मस्जिद, इबादत खाना, दीज आर सम मोस्ट प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन फतेहपुर सिकरी। उनमें हम पंचमहल डिस्कस करेंगे और एक दीवाने आम वो खास डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब पंचमहल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट एंड द मोस्ट इंप्रेसिव स्ट्रक्चर कॉल्ड द पैलेस ऑफ फाइव स्टोरीज, ये पांच महल, ये पांच स्टोरी है, पांच मंजिल है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, इसीलिए इसको पंचमहल बोला गया, क्लियर है, याद रखेंगे। ओपन टेरेस है ईच स्टोरी, ये राजा अपने मनोरंजन के लिए बनाते थे, ऊपर जाके घूमते थे, हवा खाते थे, बस एंजॉयमेंट था। हिंदू सिस्टम के ऊपर डेवलप किया गया, इसीलिए इसको टेराबाइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और पिलर्ड बरामदा बनाया गया इन्होंने, और आर्किट्रेव और ब्रैकेट्स बनाए हैं, ठीक है, तो बरामदा में पिलर्स हैं,
आर्किट्रेव मतलब ये आप देख रहे हो बरामदा के ये जो पिलर से पिलर को सुंदर बनाने के लिए इनग्रेविंग्स की गई है, ठीक है, ये होता है आर्किट्रेव। ब्रैकेट्स ये जो जगह बीच बीच में बनाई गई है पिलर्स के बीच में ब्रैकेट्स कहा जाता है, ठीक है। बिल्ड ऑन द पैटर्न ऑफ बुद्धिस्ट बिहारा, बुद्धिस्ट बिहारा के पैटर्न पे बनाया गया, क्यों, क्योंकि जो टॉम मोस्ट जो ऊपर का जो ये दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसे स्तूपा का आकार दिया गया जैसे बुद्धिस्ट बिहारा में रेजिडेंट पर्पज के लिए लोगों के लिए ऐसे बनाया जाता था अंदर, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे आपको शेप देखने को मिलेगा, क्लियर है, इसका भी इन्फ्लुएंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पर्पजफुली थ्रोन आउट द सेंटर ऑफ द क्राउन एंड एंटायर बिल्डिंग, ठीक है। और इसका पर्पज क्या था सबसे ऊपर का, कि उसको अच्छा सा इस तरीके से अगर हम डेवलप कर देते छतरी टाइप का तो वो क्राउन लगेगा, पूरी प्रॉपर बिल्डिंग का एक क्राउन सेटअप तैयार हो जाएगा, जिसे हम पांच महल कहते हैं, पंच महल, ठीक है। द टावर वॉज परहैप्स यूज फॉर द रिक्रिएशन बाय द एम्परर एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउसहोल्ड, ठीक है। तो टावर पे लोग जाते थे, एंजॉयमेंट करते थे, ठीक है, किंग, किंग की फैमिली, ठीक है, भाई किंग थे तो एंजॉयमेंट में जीवन बीतेगा ही। नेक्स्ट दीवाने खास, दीवाने खास की बिल्डिंग में आपको दिखा तो कुछ ऐसी दिखती है, एक बार देख लेंगे दीवाने खास की बिल्डिंग को खास, ठीक है, ताकि वहां पर जब डिस्कस करें तो बार बार स्लाइड ना चेंज करना पड़े। आपको दिख रहा है इस पोर्शन पे एंट्री, यहाँ भी एंट्री है और इधर भी एंट्री है, तीन टाइप से एंट्री थी, पीछे मत ढूंढना, ठीक है, पीछे जगह नहीं है, तो तीन टाइप से एंट्री थी। डबल स्टोरीड दिख रहा है आपको, डबल स्टोरीड है, ऊपर कोने कोने में आपको छतरी भी दिखेगी, ठीक है। इसके अंदर बीच में किंग बैठता था, किंग के किनारे किनारे मतलब बीच में, मान लो जैसे ये आपको ये शेप है बीच में, यहाँ किंग बैठता था, किंग के किनारे किनारे ऐसे लोग बैठते थे, ठीक है, एक यहाँ बैठ गए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अब किंग बीच में बेटा बिल्कुल लेटा हुआ आराम पर मारा, बोला बताइए बताइए सुनाइए, ठीक है, गोल उस पर, ठीक है, थ्रोन पे। तो ये ऐसा बनाया गया था, क्लियर है। और देखो आपने एक खास चीज़ इसमें देखी होगी, इसमें आपको मेहराब नहीं दिख रहा है इस सेकंड स्टोरी में, ये लिंटेल का यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको इंडियन आर्किटेक्चर का एक नमूना देखने को मिल गया। आगे समझ में, ये बाहर की ओर जो ऊपर ये छज्जा जो निकला हुआ है, ठीक है, और ये वाटर के लिए ऊपर से देखोगे आप, ये नीचे बहने के लिए निकाला गया है सैलो करते हुए, तो अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द दीवाने खास, ठीक है। तो देखेंगे एक, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, ठीक है, इसको दीवाने खास को क्या बोलते हैं, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। स्क्वायर चैम्बर है, तीन ओपनिंग है, ठीक है, याद रखेंगे, और हर साइड में एक अच्छा कॉलम जो है उस डेवलप किया गया है। सेंट्रल सपोर्टिंग एक मैग्निफिसेंट फ्लावर शेप्ड कैपिटल बनाया गया है, ठीक है, फ्लावर शेप्ड कैपिटल, ठीक है, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको ये ऊपर की ओर, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फ्लावर शेप्ड कैपिटल, ठीक है, डेवलप किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वेंटिलेशन का प्रॉपर यूज किया गया, प्रोवाइड किया गया है वेंटिलेशन इसमें, ठीक है। विंडोज जो हैं हर दूसरे के अपोजिट साइड में, हर एक एवरी वॉल पे हैं, जैसे इस वॉल पे विंडो यहाँ है, इस वॉल पे सी किसके अपोजिट इस वॉल पे होगा, तो एक प्रॉपर वेंटिलेशन अच्छा दिया गया इसमें। दी चार्मिंग बालकनी बनाई गई, जो मैंने आपको बताया था बाहर निकली हुई बालकनी कितनी अच्छी दिख रही है, ठीक है, जिसको सर्कुलर टॉप कैपिटल से कवर किया गया, ऊपर की ओर जो कैपिटल चारों तरफ कोने में छतरी जो बनी हुई है ना, उसको कैपिटल, वी कैन से दैट कैपिटल, वो कैपिटल है। रन्स राउंड हॉल्स, ठीक है, और किनारे किनारे एक बहुत अच्छा एक हॉल जो है वो गोलाई में पूरा बना हुआ है, ठीक है, अंदर की ओर, ठीक है, याद रखेंगे। होल लेंथ ऑफ द फोर साइड्स एंड द फर्स्ट फ्लोर लेवल सपोर्टेड बाय द ब्रैकेट, ठीक है, तो याद रखेंगे हर एक साइड में कुछ कुछ जगह पे दूरी पर ब्रैकेट्स डेवलप किए गए हैं, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द सेंट्रल प्लेस वाज ऑक्युपाइड बाय एम्परर, सेंट्रल में कौन बैठते थे, एम्परर, ठीक है, उनके किनारे किनारे पेरिफेरियल पैसेज में कौन बैठते थे, मिनिस्टर्स बैठते थे दीवाने खास में। गेटिंग द पॉइंट, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन, जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर के टाइम में ये अकबर टॉम दिख रहा होगा आपको, ठीक है, अकबर का टॉम उसी टाइम सिकंदरा आगरा में बनवाया गया था, जो 1613 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, 1605 में उसकी डेथ हुई थी और 1613 में ये कंप्लीट हो गया था, ये जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। शालीमार बाग ऑन द बैंक ऑफ डल लेक इन कश्मीर, इन्होंने शालीमार बाग भी डेवलप किया था डल लेक के किनारे कश्मीर में। अकबर का टॉम्ब भी बनवाया था आगरा में, और जहांगीर टॉम्ब इन सादरा नियर लाहौर बिल्ड बाय हिज वाइफ नूर महल, लाहौर में सादरा के पास में जहांगीर का टॉम्ब उनकी वाइफ नूर महल ने बनाया है। तो दीज आर द अनदर फीचर, जिसमें मीनार आपको देखेंगे ऊपर की ओर डेवलप किया हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना, अंदर जाने पे बहुत ही खूबसूरत नजारा है।
ठीक है। चलिए शाहजहां, ये मुगल आर्किटेक्चर का अपना पीक पॉइंट समझ लो, इसके बाद डिक्लाइन हो जाएगा। ये अपने पीक पॉइंट पे है शाहजहां का टाइम, क्यों? क्योंकि आपको इनके टाइम में ये मिलेंगे, मतलब मोहब्बत की निशानी, ठीक है, ताजमहल, ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे शाहजहां इरेक्टेड द मोस्ट रोमांटिक बिल्डिंग ताजमहल, टॉम्ब ऑफ हिज बिलव्ड लव मुमताज महल के लिए इन्होंने ताजमहल बनाया। देखिए ताजमहल स्क्वायर टॉम्ब बिल्ट ऑन द रेज टेरेस, ये एक स्क्वायर टॉम्ब है, एक हिसाब से मकबरा ही है, ठीक है, जिसको एक बहुत अच्छे टेरेस को रेज करके बनाया गया। विद ग्रेसफुल टॉल मीनार, मीनार का यूज किया गया है फोर कॉर्नर्स में, चारों कोने में, ठीक है। एज इन हुमायूं टॉम्ब द टॉम्ब चैम्बर ऑक्टागोनल विद सब्सिडियरी चैम्बर्स एट द एंगल्स, जैसा कि हुमायूं के टॉम्ब में जो टॉम्ब चैम्बर है वो ऑक्टागोनल है, ठीक है, और सब्सिडियरी चैम्बर्स एट द एंगल, सो एंगल में सब्सिडियरी चैम्बर्स बनाए गए, सेम आपके ताजमहल में भी देखने को मिलेगा। द टॉम्ब सरमाउंटेड बाय द ग्रेसफुल डबल डोम, ठीक है, तो टॉम्ब के ऊपर एक डोम बनेगा, एक डोम के ऊपर दूसरा डोम बनेगा, ठीक है। यहां पर जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है, ये ऐसे एक डोम बना, मतलब और इसी के ऊपर सरमाउंटेड डबल डोम बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये डबल डोम अनियन शेप का डोम था, ये अनियन शेप डोम बोला जाता है, थोड़ा अलग से है, ठीक है, याद रखेंगे। और व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है और रेड सैंडस्टोन का ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, व्हाइट मार्बल का यूज किया गया। देर आर प्रोफ्यूज कार्विंग एंड ब्यूटीफुल इनले वर्क विद अ प्रीसियस मल्टी कलर स्टोन, जिसे हम बोलते हैं पीट्रा ड्यूरा स्टाइल। जैसे ये मान लो दीवार है, इसमें हल्का सा खोदा, यहाँ पे बढ़िया से नक्काशी करके, फिर इसको खोदा, यहाँ पे निकासी, मतलब जगह जगह पे बीच बीच में नक्काशी कर करके दीवार को खूब सुंदर बनाया। कहाँ पे पीटा ड्यूरा का यूज हुआ भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन इन ब्लैक मार्बल, ब्लैक मार्बल, मार्बल पे इंस्क्रिप्शन हुआ है, मतलब बताया गया है उसमें चीजों को, बताया गया है कि इनके लिए है, इसलिए बनाया गया था, इसने बनवाया था, ठीक है। डेलिकेट ट्रेसरीज, ठीक है, ट्रेलीज एग्जीक्यूटेड सुपरबली अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ व्हाइट मार्बल, ठीक है, तो व्हाइट मार्बल जो है उसके बैकग्राउंड में ब्लैक इंस्क्रिप्शन मिला है, सजावट के लिए आपको रेलिंग्स टाइप की बनी हुई है, ठीक है, सलाखें बनाई गई हैं, ठीक है, हल्की हल्की रेखाएं बनाई गई हैं, ठीक है, समझेंगे, जैसे एक चैम्बर बन गया, चैम्बर के बीच में हल्की हल्की रेखाओं से चीजों को जोड़ दिया गया, जालीदार वर्क जो कहते हैं ना, वैसे ट्रेसरीज मिलेगी, सलाखें बनी हुई मिलेंगी जो उनको और भी सुंदर बनाती हैं। शाहजहां ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड नंबर ऑफ एलिगेंट लेविसली डेकोरेटेड बिल्डिंग लाइक खास महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद इन दिल्ली, ठीक है, और लाल किला आपने देखा ही होगा, ठीक है, रेड फोर्ट उसी के अंडर में बना हुआ, रेड फोर्ट भी डिस्कस करेंगे। बिल्ट जामी मस्जिद एट आगरा इन 1648 इन ऑनर ऑफ हिज डॉटर जहानारा बेगम एंड वजीर खान्स मॉस्क इन लाहौर, ठीक है, तो याद रखेंगे, इन्होंने अपनी बेटी जहानारा बेगम को डेडिकेट करते उनके ऑनर में 1648 में जामी मस्जिद आगरा में बनवाया था, और वजीर खान मॉक्स भी इन्होंने बनवाया था लाहौर में 1634 में। तो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, अब ताजमहल देख लेते हैं एक बार बेटा ध्यान से। तो ताजमहल के चारों कोनों में मीनार देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इस मीनार की हाइट क्या होती है, सबसे मीनार से शुरू करते, देखिए 40 मिनट टॉल होता था, सिलेंड्रिकल कॉलम्स होते थे, भी वेवरेज एंगल्स होते थे, सिलेंड्रिकल गोलाई में, ठीक है, याद रखेंगे, 40 मीटर टॉल होता था। ऊपर देखेंगे ये जो डोम बना हुआ है ये अनियन डोम कहलाता है, अनियन डोम, अनियन डोम के ऊपर देखेंगे ये जो है ये लोटस शेप में डेकोरेशन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोटस डेकोरेशन, लोटस इज प्रोमिनेंट हिंदू सिंबल यूज इन ताजमहल, ठीक है, तो प्रोमिनेंट हिंदू सिंबल अनदर टाइम यूज इन ताजमहल, ठीक है। फाइनल ऑर्नामेंटल टर्मिनेटिंग पार्ट, ठीक है, ये ऊपर की ओर बनाया गया है, ठीक है, उसके अलावा फिर ये देखेंगे छतरी, अ डोम्ड एंड कॉलम्ड कियोस्क, ठीक है, तो छतरी भी बनाई हुई है डोम के किनारे किनारे, दो छतरी भी डेवलप की गई, चार छतरियां उधर भी, दो छतरियां हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ड्रम सिलेंड्रिकल बेस ऑफ द अनियन डोम, ठीक है, तो इस अनियन डोम का जो बेस है वो ड्रम और सिलेंड्रिकल बेस है, ठीक है, एक ड्रम टाइप का नीचे पहले बेस बनाया गया है गोलाई में ड्रम टाइप का, उसके ऊपर अनियन शेप का डोम डेवलप किया गया है, ठीक है। अच्छा ये देखेंगे ये छोटी छोटी चीजें आपको रेज की हुई दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये इसे कहते हैं गुलदस्ता, ठीक है, टॉल डेकोरेटिव स्पायर, आप रखते ना पॉट गुलदस्ता अपने घर में, एक पॉट होता है उसके ऊपर फूल लगा देते हो, तो ऐसे ही इसको
रेज किया गया, ऊपर थोड़ा सा नक्काशी कर दी गई, तो उसे गुलदस्ता बोला गया है। ठीक है, याद रखेंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट स्पेंड्रेल, स्पेस बिटवीन एन आर्क एंड ए रेक्टेंगुलर इंक्लोजर। देखो ये रेक्टेंगुलर इंक्लोजर है, दिख रहा है ना बेटा, और ये है आपका आर्क। अब इनके बीच में भी सजावट की गई है, जिसे हम स्पेंड्रेल कहते हैं। ठीक है, और इनको बहुत अच्छे से रेखाओं से चीजों को जोड़कर जालीदार वर्क टाइप का डेवलप किया गया है। बहुत ही सुंदर नमूना है समझ लीजिए ताजमहल का। ठीक है, आर्क ऑल्सो कॉल्ड पिस्ताक। ठीक है, आर्क को यहाँ पे पिस्ताक भी बोला गया है। फिर ये नीचे देखेंगे बेस भी है, कैलीग्राफी ऑन लार्ज पिस्ताक। ठीक है, जो आर्क है उसमें कैलीग्राफी का यूज किया गया है। ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे कैलीग्राफी, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, कुरान की आयतें लिखी हुई है, ऐसा कैलीग्राफी डेवलप किया। और दादो डेकोरेटेड फ्रेम्स विद द पिट्टा ड्यूरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे लिख रहा ना, यहाँ पे पिट्टा ड्यूरा का यूज किया गया है। खैर आज बहुत सारी चीजें निकल चुकी हैं, ठीक है, लेकिन पिट्टा ड्यूरा का यूज किया गया है। इम्पोर्टेंट वो लगाए गए यहाँ पे, जो क्या कहते हैं आप, प्रीसियस मेटल्स का यूज किया गया है। ठीक है, रेड फोर्ट लाल किला, नेक्स्ट वन द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो हमको डिस्कस करना है। तो ये भी बेटा बनाया किसने था, शाहजहां ने बनाया था, दिख रहा है आपको 1638 में, जब इसने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली की थी। तो याद रखेंगे सबसे पहले कैपिटल दिल्ली में कौन सेटअप करने वाला पर्सन है, इल्तुतमिस। ठीक है, सबसे पहले लाहौर में कैपिटल थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम, फिर इल्तुतमिस उसको दिल्ली ले आया, इसीलिए ओरिजिनल दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशर किसको बोला जाता है, इल्तुतमिस को। इल्तुतमिस के बाद में फिर सिकंदर लोदी ने आगरा शिफ्ट कर दिया था, तब से मुगल्स आगरा में ही रहे, लेकिन शाहजहां ने फिर से इनको आगरा से फिर इनको कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली। और जब इन्होंने दिल्ली किया तो इसीलिए दिल्ली में इतने इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलेंगे, वरना अगर ये आगरा से दिल्ली नहीं गया होता तो आज दिल्ली में जो आप लाल किला सुनते हो, ठीक है, जामा मस्जिद सुनते हो, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर नहीं होती, ये सभी डेवलपमेंट आपको आगरा में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे दिल्ली शिफ्ट की और एक नया शहर बसाया शाहजहानाबाद, जो सेवेंथ सिटी है, लास्ट सिटी है किसकी, दिल्ली की। इन्हीं सातों शहरों को मिलाकर दिल्ली बोला जाता है, ठीक है, कंटेनिंग इज फेमस सिटेडल। ठीक है, अपना मतलब सिटेडल मतलब सुनो ना, हड़प्पा के टाइम में ऊपर उठाई फोर्टिफिकेशन जो होता था, तो बहुत अच्छा फेमस सिटेडल है ये रेड फोर्ट, विच वॉज बिगन इन 1639 एंड कंप्लीटेड इन 9 ईयर्स। 1639 में स्टार्ट हुआ और कब कंप्लीट हुआ, 9 ईयर्स में, ठीक है, याद रखेंगे। और कब कैपिटल शिफ्ट की थी, 1638 में, कहाँ पे, वापस दिल्ली आगरा से। और रेड फोर्ट इज एन इरेगुलर ऑक्टागन, इरेगुलर मतलब सभी में ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, आठ साइड में, आठ मतलब साइज में होते थे, यहाँ पे उभरा हुआ है, इरेगुलर है, कहीं पे उभार दिया फिर कहीं पे दबा दिया, फिर उभार दिया फिर दबा दिया है, ठीक है, बाहर की ओर ला दिया फिर दबा दिया, तो इरेगुलर एक ऑक्टागन शेप देखने को मिलेगा जो इसको और खूबसूरत बनाता है। ठीक है, एंड अ फ्यू अदर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन द रेड सैंड स्टोन एंड मार्बल यूज द पैलेस। ठीक है, अभी 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर यहीं पे जाकर बोलते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कितना बेहतरीन नजारा दिखता है, तो इरेगुलर है लेकिन बहुत बेहतरीन है। इट कंसिस्ट दीवाने आम, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, दीवाने आम मिलेगा आपको, दीवाने खास म्यूजियम भी मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। कंटेनिंग द मार्बल कैनोपी ऑर्नामेंटेड विद द ब्यूटीफुल पैनल्स एंड पिट्टा ड्यूरा वर्क्स इन द फ्यू पेंटिंग्स। इस जो सिटेडल है रेड फोर्ट, इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें सबसे खास आपको दीवाने आम देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दीवाने खास, ठीक है, तो एक दीवाने आम आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे पिट्टा ड्यूरा इन सब का यूज किया गया, और सेकेंड दीवाने खास, ये सभी मार्बल के बनाए गए थे, व्हाइट मार्बल, तो किनारे किनारे रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है ताकि एक फोर्टिफिकेशन हो जाए, किला बन जाए, फिर अंदर मार्बल का यूज किया गया है, ठीक है, जो कि ताजमहल में यूज किया गया था। देखिए यहाँ पे दीवाने खास इन रेड फोर्ट, इट इज द हाई ऑर्नामेंटेड पिलर हॉल। ठीक है, पिलर है उसके अंदर हॉल है, हाईली ऑर्नामेंटेड है, मतलब बहुत अच्छे से सजाया गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको आर्क कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 डिजाइन में ऐसे आर्क दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये पोर्शन, ये कैसी इनग्रेविंग की गई है, क्लियर है। सपोर्टेड ऑन इनग्रेव्ड आर्केस इट्स पिलर कंटेन पिट्टा ड्यूरा, इसके पिलर पर भी पिट्टा ड्यूरा है, प्रीसियस मेटल्स लगाए गए, ऑर्नामेंटेशन एंड अपर पोर्शन वॉज ओरिजिनली गिल्डेड एंड पेंटेड। ठीक है, और अपर पोर्शन को गिल्ड किया गया या पेंट किया गया। इट इज ऑल्सो सेड दैट इट्स मार्बल डेज वंस सपोर्टेड द फेमस पिकॉक थ्रोन, वो पिकॉक थ्रोन
जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, ठीक है, वो पिकॉक थ्रोन जो बाद में यहाँ से लेकर मतलब ले गए लोग नादिरशाह के अटैक में, वो पिकॉक थ्रोन आपको शाहजहां का, यहीं पे लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इसी में रहता था दीवाने खास में, बीच में इस मार्बल के सपोर्ट में बीच में रखा जाता था, यहाँ पे न्याय की दीवार भी यहीं पे थी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मार्बल स्क्रीनिंग कंटेनिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केल ऑफ जस्टिस वॉल भी यहाँ पे था, ठीक है, न्याय की दीवार जहाँ पे वो सुनवाई करते थे। मार्बल पैलेस एंड एस्क्राइब्ड एज फेमस कपलेट क्लेमिंग डायट, ठीक है, एक बहुत अच्छा वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, फेमस कपलेट है, इफ देयर बी अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज दिस इट इज दिस इट इज दिस, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है, इस तरीके की चीजों को एस्क्राइब किया गया इसके लिए, इतना बेहतरीन और सुंदर बनाया गया इसको, ठीक है, चार तो बहुत अच्छा गार्डन और फिर वो सारी चीजें। अब आ जाता है डिक्लाइन फेज, और डिक्लाइनेशन फेज में नाम आ जाता है किसका बेटा, औरंगजेब का। तो औरंगजेब का जो नाम आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खास डेवलपमेंट, ये बीबी का मकबरा है, ठीक है, इनके बेटे ने बनवाया था उसको, इनके बेटे ने डेवलप करवाया था, इनके टाइम में बना था इसलिए हम बोल देते, लेकिन रियलिटी में इसको इरेक्ट कराने वाले इनके बेटे हैं औरंगजेब के। द लव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिसेंट बिल्डिंग केम टू एन एंड रादर अब्रप्टली विद द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स एम्परर औरंगजेब, ठीक है, यहां से कंस्ट्रक्शन जो है वो तेजी से डिक्लाइन कर गया, लेकिन इनके टाइम में बीबी का मकबरा बना, टॉम ऑफ हिज वाइफ बेगम राबिया दुरानी अ पुअर रेप्लिका ऑफ द ताजमहल, मान लो ताजमहल को उठा के चिपटा दो बस आपको मिल जाएगा, देख रहे ना आपको, ताजमहल को आप बहुत ज्यादा चिपका दो दबा दो तो आपको दिख जाएगा, फिर बेस में आप देखोगे हुमायूं के टॉम्ब का दिखेगा, बीच में ऐसे जो आर्किस बने हुए हैं उसके ब्रैकेट्स बने हुए हैं, फिर ये आपको दिख रहा होगा स्वेलो वाटर, फिर ये चार बाग भी दिख जाएगा, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू बीबी का मकबरा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है बेटा। वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगैन, इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यूज माई कोड दीपक वन फॉर पर्सनली मेंटरशिप। फर्स्ट वन थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री आपको मैं कराऊंगा, आर्ट एंड कल्चर भी मैं कराऊंगा, इकोनॉमी आप कर लेंगे मृणाल पटेल सर से, थर्ड आपको पॉलिटी जो है पॉलिटी का पोर्शन, वो पॉलिटी का पोर्शन आप कर सकते हैं डॉक्टर अनुराग सिंह सर से, ठीक है, ज्योग्राफी आप कर सकते हैं, अनुराग सिंह सर मेरे भाई हैं बड़े, ठीक है, इनसे कर सकते हैं, ज्योग्राफी आप कर सकते हैं सुदर्शन गुर्जर सर से, ठीक है, ज़्यादा फोर टीम्स जो आपको बहुत अच्छे से लीड करेगी अगर आपको हेल्प चाहिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा Deepak2509 करके आईडी है, आप वहाँ पे जाइए और मुझे लाइक करिए अनअकैडमी पे, ठीक है, और फिर वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, क्लियर है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ गुड डे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।